वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चेन फॉर्मेशन इन न्यूक्लिक एसिड्स। दिस इज़ द सिक्स्थ पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल द कॉम्पोनेंट्स, स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनाती हैं। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है और इसमें जुड़ते बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जो कि मोनोमर है एक न्यूक्लिक एसिड का, वो बहुत सारे जुड़ते जाएंगे और कैसे जुड़ेंगे ये हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए कि ये दो न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले आपस में कैसे जुड़ रहे हैं। ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये यहाँ दिखाया गया है, जिसमें कि ये C1 prime, 2 prime और ये आपका 3 prime। C3 prime में आप देखेंगे कि OH यहाँ पर प्रेजेंट है। DNA में 2 prime में OH नहीं रहता है, O नहीं रहता है, वहाँ से ऑक्सीजन मिसिंग रहता है, लेकिन 3 prime में OH रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड आया हुआ है, जो नया न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ने के लिए आया हुआ है, इट इज़ ऑलरेडी हैविंग अ 5 prime P-phosphate। ठीक है, तो 5 prime जो कार्बन में, शुगर में जो कार्बन है उसके पास ये 5 prime आया हुआ है, और यहाँ ये जो 3 prime है इस जगह पर शुगर का, और ये जो फॉस्फेट है ये एक बॉन्ड बना देंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड का, और ये फॉस्फो ईस्टर जो 1 and 2, सो देर विल बी फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। तो जो दो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं वो आपस में जुड़ते हैं फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड से। ठीक है, तो एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, ये भी एक फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाएगा, अब ये बन जाएगा फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड, और ये जोड़ देगा दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में। और सिमिलरली ये जो चेन फॉर्मेशन है ये प्रोसीड करेगा। सो अभी जो मैंने बताया कि द बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 3 prime OH ऑफ द शुगर ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड एंड 5 prime P ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ देखिए यही चीज़ है, और 3 prime OH इस शुगर का है और 5 prime फॉस्फेट जो नया इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है उसका है। तो ये इस तरह से, यहाँ देखिए ये जो शुगर और फॉस्फेट है, फॉस्फेट अभी तक हम लोग ऐसे पी दिखा रहे थे, तो ये जो शुगर है दिस इज़ दिस शुगर, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये फॉस्फेट ग्रुप है। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो आप देख सकेंगे कि दोनों में OH प्रेजेंट है, यहाँ फॉस्फेट में भी जो अटैच हो रहा है उसके पास OH है और यहाँ भी OH है। अब 2 O और 2 H है हमारे पास, इसमें से 2 H और 1 O मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे जो कि बाहर निकल जाएगा, और फिर 1 O जो बच जाएगा वो इन दोनों को, इस शुगर को और इस फॉस्फेट को फॉस्फोस्टर बॉन्ड से जोड़ देगा। कैसे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये इस तरह से, ये जो फॉस्फेट था अब ये इस शुगर से, जो पहले वाला शुगर था उस पर, उसके साथ भी जुड़ चुका है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इट हैज़ बीन रिलीज। तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के साथ यहाँ पर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनकर तैयार है। सो दिस वन इज़ योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सिमिलरली ये जो नया मॉलिक्यूल आया है, इस नए मॉलिक्यूल के साथ भी यहाँ पर वही होगा, 3 prime OH से फिर से ये अटैच होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, और फिर से इसके साथ ये बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। यू कैन सी द न्यू न्यूक्लियोटाइड इज़ हैविंग दिस फॉस्फेट OH एंड सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन, एंड लाइकवाइज इट फॉर्म्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, तो बहुत सारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलकर ये आपका एक लंबा चेन बना दिए। अब ये जो चेन है ये न्यूक्लियोटाइड्स का, इट इज़ लिंक्ड विद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। इन RNA यू हैव अ सिंगल चेन एंड इट हैज़ अ पोलैरिटी ऑफ 5 prime to 3 prime। हाउ, अब यहाँ देखिए जो सबसे पहला वाला आपके पास
इसके पास यहाँ पर फॉस्फेट है, जो न्यूक्लियोटाइड है वहाँ पर फॉस्फेट है, और जो लास्ट है उसके पास जो 3' OH पोजीशन है वो खाली है, तो इसीलिए ये आपका हो गया 3' का एंड और ये आपका हो गया 5' का एंड। दैट्स हाउ वी नेम दिस द न्यूक्लिक एसिड एज 5' एंड एंड 3' एंड, और ये 5' to 3' एंड की पोलैरिटी मेंटेन करता है। तो आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर आपका इस तरह का दिखेगा, इसमें कोई भी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर नहीं रहता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इन डीएनए वी हैव डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, यानी यहाँ दो इसी तरह के सेपरेट चेन्स हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि आप देखिए कि यहाँ जो शुगर है, शुगर इस चेन में द ऑक्सीजन ये ऊपर की तरफ है, इस तरह का ये फ्यूरान स्ट्रक्चर है, जबकि जो दूसरा चेन है उसमें जस्ट ऑपोजिट है, तो ये दोनों एंटी पैरेलल टू ईच अदर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक चेन है आपका, दिस इज़ वन चेन ऑफ डीएनए एंड दिस इज़ द अदर चेन ऑफ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और दोनों आपस में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज, प्लीज़ डू वॉच देम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरी जगह पर भी इसी तरह से ये जो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड है, ये फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड्स नए न्यूक्लियोटाइड्स पेयर जो आ रहे हैं उसके साथ वो ज्वाइन करके बना रहे हैं, और ये जो दूसरा चेन है उसको भी उसी तरह से बना रहे हैं। तो दूसरा चेन जो न्यूक्लियोटाइड आ रहा है वो इस स्ट्रैंड में दो वजह से जुड़ा हुआ है, एक है आपका ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस चेन में ये जुड़ने का कारण है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और दूसरे स्ट्रैंड के साथ जो एक स्ट्रैंड के एक सेपरेट सा स्ट्रैंड है उसके साथ जुड़ने का कारण है ये बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज द फॉस्फेट एंड शुगर बैकबोन। आप देखिए ये फॉस्फेट और शुगर किस तरह से बैकबोन बनाकर चल रहे हैं दोनों तरफ, और ये एक बहुत ही कॉन्क्रीट सा एक हेलिकल स्ट्रक्चर के बाद देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सारे जितने भी आपके यहाँ नए न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे थे सब ने यहाँ अपना अपना हाइड्रोजन बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कंप्लीट कर लिया है। सो दिस इज़ योर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए का है जो कि आरएनए में आपको नहीं मिलता है। यहाँ देखिए दिस स्ट्रैंड इज़ यू रनिंग फ्रॉम 5' to 3' हियर, और ये 5' to 3', ये यहाँ से 5' to 3' जा रहा है, ये यहाँ से 5' to, सो दे आर पैरेलल। पैरेलल मतलब ये एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगे, हमेशा इनकी जो आपस की जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग ये भी मेंटेन कर रहा है, तो इनका जो आपस का जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड अ पैरेलल, ठीक है। और दूसरा है एंटी पैरेलल, क्योंकि दोनों की जो पोलैरिटी है वो अलग है, एक स्ट्रैंड 5' to 3' है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 3' to 5' है, इसीलिए यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसकी पोलैरिटी अलग है, इसलिए हम लोग इसको पैरेलल भी कह रहे हैं लेकिन एंटी कह रहे हैं क्योंकि डायरेक्शंस अलग है। सो दीज टू स्ट्रैंड्स इन अ डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, और बाहर की तरफ ये जो शुगर फॉस्फेट का बॉन्ड बना हुआ है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और अंदर की तरफ आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चेन फॉर्मेशन इन डीएनए एंड आरएनए बोथ द न्यूक्लिक एसिड्स। सो होप यू एक्सेल इन योर एग्जामिनेशंस एंड द पार्ट 7 दैट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट वीडियो इज ऑन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन डीएनए एंड आरएनए, एंड द 8th, 9th एंड 10th part are also available there, types of RNA, RNA hydrolysis and types of DNA. So do watch these also. Thank you so much.